How are you all? I hope you all are fine. Students, our today's topic is lesson number 6, waste management. Students, waste word से आप सभी familiar हो and management is new word for you. Waste management mean to say, जो भी हमारा garbage होता है, जो आप throw करते हो dustbin में, जो आप कबाड़ी को बेच देते हो, जो आपका junk dealer होता है, आप उसको बेच देते हो जो सामान, जैसे cardboard हो गया, पेपर हो गए, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें, इन सब को हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल्स. ओके, इन सब वेस्ट मटेरियल को हमने किस तरह से मैनेज करना है, हमने कैसे उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, रिड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें, और इन सब वेस्ट की वजह से हमें कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी हम इस लेसन में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 6, वेस्ट मैनेजमेंट. Now you all are familiar with the word waste management. Okay students, every time you see a garbage heap, you must be wondering where the garbage comes from. जब भी आप कहीं कूड़े के ढेर देखते हो, you have to underline the difficult words students and write them in your notebook before starting the lessons. Okay? एवरी टाइम यू सी अ गार्बेज हीप, आप हमेशा जब भी कभी गार्बेज हीप यानी कूड़े का ढेर देखते हो तो आप हैरान हो जाते हो देखकर कि इतना सारा कूड़ा कहाँ से आया, वेयर डज इट गो, और ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा. मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स. फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, ये जो गार्बेज है, ये जो कूड़े के ढेर हैं, ये सब कुछ हम लोगों की दिए हुए होते हैं, हम लोगों ने क्रिएट किया होता है, यानी ह्यूमन जो ज़्यादातर गार्बेज होता है वो ह्यूमन बींग्स का होता है. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम आर हाउस होल्ड, ऑफिसिस, फैक्ट्रीज, प्ले ग्राउंड, स्कूल्स एट्सेट्रा. हर रोज हज़ारों टन की संख्या में, हज़ारों टनों जो वेस्ट है वो हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं, फैक्ट्री से, प्ले ग्राउंड से, स्कूल से, बहुत सारा कूड़ा जो है हम थ्रो करते हैं. द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ, और उस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल, प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, एनिमल्स लाइक काउस, बुफेलोज, हॉर्स, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस. और इसके साथ साथ जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, टूटे हुए गिलास, क्रॉकरी, पेपर्स, प्लास्टिक गुड्स, ये सब हम फेंकते हैं कूड़े में. और इसके साथ ही एनिमल्स जैसे जो जानवर होते हैं, जैसे डॉग, कैमल, हॉर्स, काउ, इन सब के जो वेस्ट होती है, जो डंग होता है, काउ डंग, जिसको हम काउ डंग बोलते हैं ना, गोबर होता है, वेस्ट मटेरियल, वो सारे के सारे हम, ये सभी की सभी सारी चीज़ें हैं वो वेस्ट में आती हैं. इन रिसेंट टाइम देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी से गार्बेज के अमाउंट में चेंजेस आए हैं, यानी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुए हैं ये, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ गई हैं, एंड वाइडस्प्रेड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, और हमने पॉलीथीन बैग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ वहाँ आप देखोगे पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो आपको उड़ते हुए कचरे में, ढेर में मिल जाते हैं. एंड पैकेजिंग, और जो पैकिंग होती है, पैकिंग पेपर आप होते हैं यूज़ करते हैं, आप देखिए मिल्क जो है वो भी पैकिंग में आता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चिप्स खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, सब पैकिंग में होती हैं. तो ये सारी चीज़ें बाद में आप चॉकलेट तो खा लेते हो, चिप्स भी खा लेते हो, लेकिन रैपर्स जो है वो आप थ्रो कर देते हो, तो उससे भी क्या है, जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो तो वेस्ट मटेरियल बढ़ जाते हैं. द गार्बेज हैज़ बिकम अ हज़ार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरमेंट. और इस तरीके से जो गार्बेज है, जो ये कबाड़ है, कूड़ा है, वो सारा हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, यानी अभिशाप बन गया है, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि एनिमल्स उसको खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाते हैं. इट पोल्यूट्स द एयर, वाटर बॉडीज एंड द लैंड. और इससे हमारी सॉइल यानी लैंड जो है वो भी, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है. इट बिकम अ ग्राउंड ऑफ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड रैट्स. और इससे क्या होता है, कबाड़ पर ज़्यादातर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, मच्छर पैदा होने लगते हैं, चूहे आ जाते हैं, और उन सबसे क्या फैलती हैं फिर बीमारियाँ. जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं कबाड़ से, देखिए कूड़े से भी बीमारियाँ फैलती हैं, डायसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग,
इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, मलेरिया है वो भी मच्छरों से होता है, मच्छर कूड़े पर आते हैं, इसलिए तो हमें जो गार्बेज है वो क्या होता है, सभी तरह के पोल्यूशन उससे क्रिएट होते हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं। इट ऑल्सो कॉजेज फाउल स्मेल, और कूड़े में से हमेशा गंदी स्मेल आती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरियाज़, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कभी भी ओपन एरियाज़ में, जो खुले एरियाज़ हैं, वहाँ पर कूड़ा ना फेंकें, घर के बाहर कूड़ा ना फेंकें, सड़कों पर, रोड्स पर, पार्क्स में कूड़ा ना फेंकें। अब कूड़ा फेंकोगे नहीं तो उसका क्या करोगे आप लोग, थ्रो दैट इन टू द डस्टबिन। ओके, द टू मेन टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल आर, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वेस्ट मटेरियल का, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बायो, देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं, सूखे पत्ते जो पेड़ों से गिर जाते हैं वो, वेजिटेबल्स और फ्रूट पील, सब्जियां, जैसे मम्मी सब्जी बनाती है घर में तो सब्जी छीलती है उसके छिलके, फ्रूट्स आप खाते हो, पपाया खाते हो, एप्पल खाते हो उसके छिलके, आप मैंगो खाते हो उसके छिलके, एग शेल्स अंडों के जो छिलके होते हैं, पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड आइटम, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ये वेस्ट होती हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इन हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय डंपिंग देम इन ए पिट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिन्हें हम इजीली कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनको हम डिकम्पोज इजीली कर सकते हैं। इन सारे वेस्ट को अगर हम कुछ दिनों के लिए एक गड्ढे में दबा दें तो ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में बन जाते हैं, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द पिट इज़ कवर्ड विद सॉयल, और फिर उस गड्ढे को हम मिट्टी से ढक देते हैं, और बाद में ये क्या बन जाती है, सारी इन पत्तों से, लीव्स से, सबसे क्या बनता है, कन्वर्टेड इंटू कंपोस्ट खाद, और इस खाद को हम अपने पौधों की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी यूज एज मैन्योर, दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इससे आपके जो अमाउंट ऑफ गार्बेज है, गार्बेज की जो अमाउंट है जो अब डे टू डे बढ़ती जा रही है, स्टेडली इंक्रीज हो रही है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू बायोगैस, इसी तरह से जैसे काउ डंग होता है, एनिमल डंग होता है, या प्लांट वेस्ट होती हैं, जैसे मिट सड़े हुए गले हुए पत्ते पौधे होते हैं, उससे हम बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं, यानी गांवों में जो सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं लोग, वो लोग बायोगैस का यूज़ करते हैं, यानी सारा का सारा वेस्ट जो होता है ना, एनिमल वेस्ट होता है, उसको वो एक प्लांट में डाल देते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बायोगैस प्लांट है, इस तरह का प्लांट बना होता है उसमें डाल देते हैं, और फिर वो सड़ता रहता है वहाँ पर, और फिर उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस को वो किचन एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। बायोगैस दैट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विद सॉयल इन रूरल एरियाज, वास्तव में क्या होता है, गाँव में या जो पिछड़े हुए गाँव होते हैं, बिल्कुल ही छोटे गाँव होते हैं, वहाँ पर बायोगैस प्लांट जहाँ नहीं होते हैं स्पेशली, वहाँ पर वहाँ एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट को मिट्टी से ढक दिया जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स थ्रू पाइप्स, इसी तरह से बड़े बड़े शहरों में जो टॉयलेट वेस्ट होता है, जो आप वॉशरूम यूज़ करते हो, उसका जो वेस्ट होता है वो सारा ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स में चला जाता है, और वहाँ से उसको रिसाइकिल किया जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन, और इसी तरह से जितना भी पानी आप यूज़ करते हो, चाहे आप वॉशिंग के लिए करते हो, चाहे क्लीनिंग के लिए करते हो, जो आप ड्रेन कर देते हो, नालियों में बहा देते हो, वो सारा वाटर जो है वो दोबारा से उसमें से सॉलिड सेपरेट्स को, वेस्ट को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और वाटर को यूज़ कर लिया जाता है, और वो वाटर इरीगेशन में यूज़ होता है, सिंचाई के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं, नेल्स, आप नेल कट करते हो वो आ जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल आ जाती है, इसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोग, जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, ईजिली डिजॉल्व नहीं होती हैं क्लियरली, और ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो हेल्थ है, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। एल्यूमिनियम फॉयल इसमें इंक्लूड करते हैं, पिंस, जैसे लोहे की ऑल पिंस होती हैं, स्टेपलर पिंस होती हैं, सारी ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसीस, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, यानी जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ जो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है वो सारा वेस्ट
फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेज रोड्स एट्सेट्रा, सभी जगह का कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये सभी किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज नहीं किए जा सकते। जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल को पिट के अंदर दबा करके सॉयल से कवर करके उसको बायोडिग्रेड कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन बायोडिग्रेडेबल को हम नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइकलेबल, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास है, रबर्स हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? जैसे प्लास्टिक बॉटल से आप प्लांट्स रखने के लिए पॉट्स बना सकते हो, पौधे रखने के लिए उसमें मिट्टी डालिए और उसको कट कीजिए और उसमें मिट्टी डालिए और उसमें प्लांट लगा दीजिए, हैंग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो ये चीज़ें हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आप उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस में, तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, आप उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसको रिसाइकिल जरूर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिसाइकलिंग। ओके, द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। यस, रिसाइकलिंग मीन टू से किसी चीज़ को दोबारा से यूजेबल बनाना, उसको यूज़ करने के लायक बनाना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सेपरेटिंग यूजेबल मटीरियल, जो कबाड़ है उसमें से हमने जो वेस्ट मटीरियल है उसमें से हमने यूजेबल मटीरियल को सेपरेट करना है, जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एंड देन कन्वर्टिंग दैम इंटू न्यू प्रोडक्ट, और तब उसको यूज़ करके आपने न्यू प्रोडक्ट यानी नई चीज़ें बनानी है। कैसे? जैसे कि पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यूज़ प्रिंट, टॉयलेट पेपर एट्सेट्रा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल एंड मेड इंटू यूजफुल आइटम्स। पेपर यानी कागज़ जो आप वेस्ट फेंक देते हो, आप उसका यूज़ करते हो न्यूज़ प्रिंट के लिए, न्यूज़पेपर्स में उसका यूज़ किया जा सकता है, उसको क्लीन करके उसको रीयूजेबल बनाया जा सकता है, टॉयलेट पेपर्स उससे बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सो मैनी मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, इनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हो और इनको रीयूजेबल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। रिसाइकलिंग से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आइए देखते हैं कैसे। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। एक तो इससे क्या होगा, आपका जो कूड़े में फेंके जाने वाली अमाउंट है यानी गार्बेज है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको रीयूजेबल कर लिया। सपोज़ आप एक वाटर बॉटल, जो पेप्सी की या कोल्ड ड्रिंक बॉटल होती है, वेस्ट हो जाती है प्लास्टिक की, आप उसे वाटर प्लांट बना सकते हो, प्लांट्स जो पॉट्स होते हैं प्लांट्स के लिए वो बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका गार्बेज अमाउंट जो है वो वेस्ट मटेरियल की अमाउंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एट्सेट्रा। इससे हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको सेव कर सकते हैं। यानी जब हम चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय चीज़ों को रीयूज़ करना, इस्तेमाल की हुई चीज़ों को, यूजेबल आइटम्स को ही दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जैसे पेपर को आप बार बार यूज़ करोगे, जो रीयूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, बार बार लकड़ी को पेड़ उतने ही कम कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो पेड़ से, वुड से बनते हैं। वुड कहाँ से आती है, ट्रीज से आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन। यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारा पॉल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि जब हम गार्बेज को थ्रो करते हैं तो वो इधर उधर बिखरा रहता है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। इट सेव्स एनर्जी, और इससे हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी सेव होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि आप कौन कौन से वेस्ट को कम करने के, रिड्यूस करने के, वेस्ट की अमाउंट को कम करने के कौन कौन से मेथड्स को आप यूज़ करोगे। सम ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस वेस्ट आर, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस योर प्लास्टिक बैग। आपको प्लास्टिक बैग्स की जगह कौन से बैग यूज़ करने हैं, क्लॉथ बैग। आप क्लॉथ बैग का यूज़ कीजिए, कपड़े वाले बैग का। आप सब्जी लेने जाते हो, फ्रूट्स खरीदने जाते हो या मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, तो आप घर से अपना क्लॉथ बैग लेकर जाइए। उससे क्या होगा, प्लास्टिक बैग्स की जो खरीदना जो है वो कम हो जाएगा, वो बिकने बंद हो जाएंगे और उससे पॉल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट, कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटीरियल होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले वीडियो में दिखाया था, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स जो होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, एग शेल्स, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, वो सब आप उनको कंपोस्ट करिए, उनको उनसे खाद बनाइए, वो कंपोस्ट मटीरियल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब।
आप जो CFC बल्ब्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए, जिनसे एनर्जी जो है वो कम, जो बिजली है वो कम खपत होती है, उससे आप अपनी एनर्जी को सेव करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री बेस मैथड्स। एंड नाउ देर आर टू पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स हीयर, यू हैव टू राइट हीयर योर सेल्फ। आपको यहाँ खुद लिखना है कि आप कौन कौन से मैथड जो है वो वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी, जब भी आपको पर्यावरण से रिलेटेड, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं, अपने एनवायरनमेंट को रीयूजेबल चीज़ों से, रीसाइक्लिंग से जोड़ते हैं हम चीज़ों को, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की आप बात करते हो, तब सभी जगह पर आपको 4 आर्स के बारे में सिखाया जाता है। हेयर इज 4 आर्स, और आप देखिए ये एरोज हैं, यानी ये 4 आर्स एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे सबसे पहले होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मीनिंग होता है कम करना। सबसे पहले तो आप कबाड़ कम क्रिएट कीजिए, चीज़ों को रीयूज़ कीजिए। सपोज आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हो, पेप्सी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोतल को थ्रो करते हो, तो थ्रो मत कीजिए, उसको रीयूज़ कीजिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप उसको प्लांट्स में बनाइए। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कबाड़ से जुगाड़, डू यू नो, में देखिए कबाड़ से जुगाड़, यानी ये जो चीज़ें बनाई हैं, ये देखिए बॉटल्स के ढक्कन से बनी हुई हैं, ये क्या है सब, कबाड़ से बनाई गई चीज़ें। ये देखिए बॉटल्स, कांच की बॉटल्स खाली होती हैं, सॉस वगैरह आप खाते हो, देखो, यस, लुक एट दिस वुडन मटेरियल, लुक एट दिस फॉयल एल्यूमिनियम मटेरियल। इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो हैं आप रीयूज़ करके बना सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो। रिड्यूस, फिर उसके बाद होता है रीयूज़ करना, यानी आप चीज़ों को एक पहले तो इस्तेमाल ही कम कीजिए, फिर उसके बाद उसको रीयूज़ कर लीजिए। क्लियर, सेकेंड थिंग रीसाइकिल, जैसे फिर चीज़ों को आप आर्ट एंड क्राफ्ट से बना करके उसको नई नई चीज़ें उससे बना लीजिए। एंड रीथिंक, और फिर दोबारा सोचिए कि आप किस तरीके से अपने जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं, और किस तरीके से रीसाइकिलिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर पार्ट वन ऑफ लेसन वेस्ट मैनेजमेंट। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू पार्ट टू। Okay, students, till then, goodbye.